वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabu.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और झारखंड से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आपके झारखंड पे बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि JPSC AE का भी पेपर आपका होने वाला है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि एक दो क्वेश्चन या आपके उससे भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिछले साल तो नहीं पूछे थे 2013 के पेपरों में, लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज है और आपके प्री एग्जाम भी लिए जा रहे हैं। जैसे कि BPSC के प्री एग्जाम में नहीं लिए गए थे, लेकिन मेंस में आपके बिहार से बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार से आपके अगर इसमें नहीं लिया जाता है आपका झारखंड बेस्ट क्वेश्चन, तो आपको मेंस एग्जाम जो इसका होने वाला है जनरल स्टडीज़ का, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम झारखंड के बारे में, थोड़ा सा एक ओवरव्यू जानते हैं। उसका नाम दिया है नो योर स्टेट। तो जानिए झारखंड को। और आगे चलने से पहले, अभी तक जिन्होंने हमारे एक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पेज को अगर लाइक नहीं किए हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, Google+ पे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो आपके पास जाता रहेगा टाइम टू टाइम। और इसके जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए रहते हैं, उस लिंक को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसी के लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे में टेलीग्राम के लिंक ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो स्टार्टिंग में आपको मैं चीज़ें थोड़े थोड़े समझाऊंगा, फिर बाद में अच्छे से ब्रॉड में हम लोग चलेंगे। तो आपका पता है, आपको पता होगा कि कैपिटल क्या है इसका। तो कैपिटल आपका है इसका रांची। ठीक है, क्या है कैपिटल झारखंड का? रांची। डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसका? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था ये। और आपसे पूछ सकता है कि जब डेट ये झारखंड जो फॉर्मेशन हुआ था झारखंड का, तो उस समय आपके PM कौन थे? ठीक है, तो आपका पता है अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के शासनकाल में इसको किया गया था। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और पहले आपके चीफ मिनिस्टर कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। आपका ऑप्शन इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। शिबू सोरेन थे, मुंडा थे, ये सब करके आपको याद भी रखने हैं। चीफ मिनिस्टर अभी तत्काल के अगर आपसे पूछ सकता है, तो तत्काल में आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है? रघुबर दास हैं, जो कि BJP से बिलोंग करते हैं। अभी इलेक्शन वहां पे चल रहा है, स्टार्ट भी हो चुका है फर्स्ट चरण का। गवर्नर आपसे पूछता है तो द्रौपदी मुर्मू हैं, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ, देखो ये बहुत सारा क्वेश्चन अब पूछने लगा है इधर के एग्जामों में, तो आप इसको याद रख सकते हो। टोटल जो कि मेम्बर होते हैं वहाँ से राज्यसभा के, तो वहाँ पर अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि टोटल राज्यसभा के सीट्स झारखंड में आपके कितने हैं, तो आप बता सकते हो कि 6 हैं। ठीक है, और उसी प्रकार आपके कितने हैं लोकसभा में? लोकसभा में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को आपको याद रखना है या नोट कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जो इसके जो बॉटम में जो होंगे आपके जो डिस्क्रिप्शन के जो लिंक जो होते हैं, उसमें मैं इसका PDF सेक्शन और इसका जो नॉर्मल जो मेरे वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी रहेगा, और उसका PDF भी जो प्रिंट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट चले जाएंगे। मैं दो लिंक आपका दे दूंगा नीचे में। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो मेंबर्स हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप यहाँ पर हमारे साथ अगर वीडियो देखते हो, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते चलते हैं, वो भी आप नोट करते रहोगे। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कितने हैं? 81 सीट्स हैं। ठीक है, अभी 81 सीट्स के लिए वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अगर बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं झारखंड में? 24 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया के बात करता है तो टोटल जो एरिया है झारखंड का, आपको पता है कि ये बिहार से अलग हुआ है, भी पूछ सकता है कि झारखंड किससे अलग हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार से अलग हुआ है, इसको आपको बोल सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया। देखो अगर इसके अबाउट में पूछता है थोड़ा सा, तो ये ईस्टर्न इंडिया में बेस्ट है। ठीक है, और ये जो हुआ है साउथ बिहार जो था पहले, उनसे ये 15 नवंबर 2000 को साइड हुआ है। ठीक है, यानी कि डिवाइड हुआ है। तो टोटल एरिया जो है तो इसका है 79,701 फुट, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो 69,714 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है। अगर रैंक ऑफ स्टेट किया जाए एरिया के अकॉर्डिंग, तो ये 16वां रैंक है इसका। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन 2000 के अकॉर्डिंग आपका इसमें मेंशन है, आप लोग लिख लेना इसको। लिटरेसी रेट आपका 67.63% है, समझ गए, 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी 2000
आपके सेंसेस 2021 में आपके होंगे, तो आपको यहाँ पे चेंज होते हुए देखेंगे आपको, ठीक है। अब नेबरिंग स्टेट की बात करते हैं, तो नेबरिंग स्टेट में आपको कौन से, आपको पता है कि बिहार से अलग हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है कि कितने स्टेट इनके बॉर्डर को टच करता है। तो देखो, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, एक छः, तो टोटल छः स्टेट जो है उनके बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है, डायरेक्शन भी पूछ सकता है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, तो आपसे पूछ सकता है कि आपका ईस्ट में क्या है, आपसे पूछ सकता है कि वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि झारखंड में कौन से स्टेट हैं, झारखंड से ईस्ट में या झारखंड के वेस्ट में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक मेंशन करते चलता हूँ कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो आपका नॉर्थ में बिहार है, ठीक है, ये नॉर्थ में पड़ता है झारखंड का। उसके बाद अगर यूपी है आपका, तो यूपी एंड छत्तीसगढ़, समझ गए, ये दो स्टेट आपका किस में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट में पड़ता है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से रख लेना, देख लेना, या मैप रख के आप देख सकते हो मैप से। उसके बाद उड़ीसा जो है आपका किस में है, साउथ में है, ठीक है, उड़ीसा किस में है, साउथ में है। और जो वेस्ट बंगाल है आपका, पश्चिम बंगाल, वो आपका किस में है, आपका ईस्ट में है। तो समझ गए होंगे आप, इन सब चीज़ों को याद कर लेना। मेन लैंग्वेज जो वहाँ पे है, मेन लैंग्वेज आपका हिंदी है, लेकिन कुछ और जो लैंग्वेज हैं आपसे पूछ सकता है कि कुछ और लैंग्वेज में, जैसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि संथाली जो है आपका, उर्दू, ये सब जो है, देखो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, अदर लैंग्वेज का है, उर्दू, कुर्मटी, संथाली, हो, खुरखी, सडरी, मुंडरी, खारिया, माल्टो, नागपुरिया, बंगाली, ये सब भी आपके जो लैंग्वेज हैं अदर लैंग्वेज, वहाँ के बहुत ही फेमस लैंग्वेज हैं, लेकिन मेन लैंग्वेज आपका क्या है, हिंदी ही है। अब आगे बात करते हैं रिवर के, तो मेन रिवर अगर पूछता है, जैसे कि हरियाणा जेई के एग्जाम में पूछा था कि मेन रिवर वहाँ का क्या है, वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि मेन रिवर आपका झारखंड का क्या है, तो वो मेन रिवर आपका गंगा है। नंबर ऑफ रिवर्स, ऐसे तो बहुत सारे रिवर्स होते हैं हर एक स्टेट में, लेकिन यहाँ पे कुछ जो प्रमुख जो रिवर हैं, यहाँ पे आठ का मैं मेंशन किया हूँ। देखो, दामोदर है आपका, बैतरनी रिवर है, गंगा रिवर है, बाराकार रिवर है, अजय एक रिवर है, सोन रिवर है, साउथ क्योल रिवर है, सुबर्णरेखा रिवर है, सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है। तो इसके उच्चारण थोड़े से मेरे से गलती हो सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे हो ना। उसके बाद अगर आप इन सब जगहों के अगर नाम जानना चाहते हो, तो आप खुद से जब नोट्स बनाते हो, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है झारखंड में, इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। आगे चलते देखते हैं हम लोग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछता है आपसे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसका जगह का नाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद से आप लोग ये लिख लेना सर्च कर करके। फिर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेल्टा नेशनल पार्क आपका है, सडना द साल है आपका, साल फॉरेस्ट, फिर उसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये सब हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके। अब वहाँ पे होते हैं क्या, ट्राइब्स भी होते हैं, बहुत तरह के ट्राइब्स वहाँ पे हैं। वहाँ पे कौन कौन है, मुंडा, संथाल, ओरेनो, खरिया, गोंड, कोल, सेवर, पसूर, बैगा, बंजारा, भथुडी, भथुन एन नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे भथुडी है, ठीक है। तो ये सब ट्राइब्स होते हैं, जैसे कि आपसे देखे हुए एक एग्जाम में पूछा गया था कि संथाल जो है वो कहाँ के मूल ट्राइब्स हैं, तो आप यहाँ पर झारखंड के कर सकते हो, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी पूछते हैं, नाम पूछते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट किस स्टेट में है, तो सीधे आप झारखंड में जान सकते हो, या पूछता है कि ये किस सिटी में है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, रांची में हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपका रांची में है। एक सोनरी है, देखो ये तो फेमस है, लेकिन ये कम फेमस है, इसको भी पूछ सकता है। तो सोनरी एयरपोर्ट है आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर को किसने बनवाया था, तो जमशेद जी टाटा, आपको पता होगा, इसके बारे में भी हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आप सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, तो एक क्रिकेट स्टेडियम जो कि अभी बहुत सारे मैचेज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो है आपका झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि आपका रांची में है, ठीक है। अब स्टेट सिंबल्स की हम लोग बात करते हैं, स्टेट सिंबल्स भी पूछते हैं एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में जो भी जीएसएस या जेपीएससी से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें आपका स्टेट एनिमल है एशियन एलिफेंट, ठीक है, एशियन एलिफेंट झारखंड का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड आपका है कोयल, ठीक है, स्टेट फ्लावर आपका है प्लास, स्टेट ट्री है साल ट्री, स्टेट डांस है पैका, झूमर, छाव। देखो, एक होता है घूमर जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ पे झूमर होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे छाव डांस भी होता है,
हम बाद में भी कुछ फोक डांस आपको दिखाए हैं, वो भी देख लेना। चलिए देखिए, फॉरेस्ट लैंड आपका है 23605, 23,605 किलोमीटर स्क्वायर में है आपका फॉरेस्ट लैंड। ये हमेशा पूछ सकता है कि फॉरेस्ट लैंड, टोटल फॉरेस्ट लैंड कितना है झारखंड में, ये भी पूछ सकता है। फिर से आपका लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे पूछ सकता है, तो 2653.64 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे का लेंथ है, ठीक है। रेलवे लेंथ भी आपसे पूछ सकता है, 2394.46 किलोमीटर रेलवे लेंथ है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आपसे पूछते हैं एग्जामों में, बहुत रेयर ही पूछता है, लेकिन अगर पूछता है तो आप याद रखें 23.35 डिग्री नॉर्थ और 85.33 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डैम्स देखते हैं हम लोग, तो डैम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका ये डैम्स है और ये आपका इस साइड रिवर है, किस रिवर पे बसा हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने वहाँ पे तो 8 ही रिवर बताया था, लेकिन ये अलग अलग है। तो देखो, ये 2 रिवर आप देखे होंगे, लेकिन 8 वहाँ का प्रमुख रिवर है, ठीक है, वो जो मैं मेंशन किया था। और भी कुछ ऐसे तो हर एक स्टेट में बहुत सारे रिवर होते हैं, तो चिंदा डैम वहाँ पे है, तो चिंदा रिवर पे है, ठीक है। अनराज डैम है आपका अराज रिवर पे। गेटसलू डैम है आपका सुवर्णेखा रिवर पे। पंचाट हिल डैम आपका है दामोदर रिवर पे। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, मैं फोक डांस अभी बताया था, तो फेमस डांस वो जो बताया था मैं, अभी कुछ और फोक डांस हैं झारखंड में जो कि काफ़ी फेमस हैं। पैका हो गया, हंटा डांस हो गया, ट्राइबल डांस हो गया, जेनाना जेनाना डांस, जेनाना घूमर, ठीक है, बरोवा डांस, बरोवा डांस होता है एक, मुडरई डांस। तो ये सब जो फेमस फोक डांस है, आप इनको भी याद रखना, पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि झारखंड के बारे में भी। अगर अभी नॉर्मल भी पूछता है आपका कि जेनाना घूमर डांस कहाँ होता है, तो आप सीधे बताओगे फोक डांस कहाँ पर है, झारखंड में। अब देखें फेमस रीजनल फेस्टिवल ऑफ झारखंड, कुछ रीजनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि हर एक स्टेट्स का अपना होता है, उसी तरीके से देखो ये कर्मा एक है वहाँ का रीजनल फेमस फेस्टिवल झारखंड का। दशहरा बहुत जगह चलता है दशहरा, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फेस्टिवल, जो खास करके फेस्टिवल चीज़ों में या आपके जो भाषा या लैंग्वेज जो बोलते हो आप लोग, वो जो होता है आस पास पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप जानते हो कि बिहार में छठ पूजा है, तो यूपी के साइड में आपके जो यूपी वेस्ट है उसमें भी देखते हो छठ पूजा लोग मनाते हैं, लेकिन वही अगर आप यूपी ईस्ट में आ जाओ, सॉरी यूपी वेस्ट में नहीं मनाते हैं, लेकिन यूपी ईस्ट में मनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपका देख सकते हो दशहरा, जो आपका पता है आपको कहाँ का मेन है, ये बंगाल में ज़्यादा फेमस है, लेकिन सभी जगह बिहार और झारखंड में भी अब अच्छे से मनाए जाते हैं। और छठ पूजा अगर बात करते हैं, देखो छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, लेकिन ये पहले उसी का पार्ट था, तो इसीलिए छठ पूजा भी यहाँ पे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें या लैंग्वेज जो आपका होता है, जैसे कि भोजपुरी एक लैंग्वेज है, तो बहुत सारे वैरी करता है, तो उसी प्रकार ही भी है। जीतिया भी मनाया जाता है, भैया दूज भी है, सोहराई है, रामनवमी, सरहुल, बसंत पंचमी, तो ये सब चीज़ें यहाँ के फेमस रीजनल फेस्टिवल हैं झारखंड के, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी मैं PDF में आपको मेंशन कर दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स में, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तो, और उसको रख सकते हैं, और जब भी देखने का मन करे वीडियो को ओपन करके ज़रूर देख लें, और वीडियो को लाइक करते चले फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप अप्रिसिएट करोगे तभी मैं आगे और भी वीडियो, अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो टेम्पल और मोन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो टेम्पल मोन्यूमेंट्स और उसका लोकेशन भी मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि ये सबसे पहला बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल, देखो ये श्रावण के महीने में जब सावन चलते रहता है, तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे जल चढ़ाने जाते हैं, जो कि आपका कहाँ पे है, देवघर में है। ये शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग जो बोलते हैं हम लोग, उनके लिए प्रसिद्ध है, बहुत सारे भीड़ होते हैं, पूरे एक मंथ आपका यहाँ पर फेस्टिवल टाइप का चलते रहता है। और ये अभी आपके एक पेपर में हुआ था, कैनरा बैंक का कोई पेपर हुआ था आपके मेंस, उसमें आपसे पूछा गया था कि देवघर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल के लिए। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ों को रख सकते हो। अशोका इंस्क्रिप्शन ऑन द चंदन शहीद हिल, तो अशोका का इंस्क्रिप्शन है जो चंदन शहीद हिल पे, वो कहाँ पे लोकेट है, रांची में। तो आपसे सीधे लोकेशन पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि किस लिए प्रसिद्ध है, या आपका किस जगह पर, किस स्टेट में है, या आपसे किस सिटी में है, किस टाउन में है, ये भी सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंशियंट स्टोन टेम्पल विथ ए स्मॉल शिवलिंग इन साइड, ये आपका रांची में है। जामा मस्जिद, देखो जो फेमस जामा मस्जिद है वो तो दिल्ली में है,
लेकिन और भी जामा मस्जिद है वहाँ पर, कहाँ पर है, संथाल परगना में। साइट ऑफ ओल्ड फोर्ट सिंहभूमम में है यहाँ पे, और एंशियंट माउंट कहाँ पे है, सिंहभूम में है। तो ये सब जो है फेमस टेम्पल्स और मोनूमेंट्स हैं। वीडियो को लाइक करते चलें और कमेंट भी करते चलें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पावर जनरेशन प्लांट्स। तो इम्पोर्टेंट पावर जनरेशन प्लांट्स है सिकड़ी हाइडल पावर प्लांट्स, ये आपका रामगढ़ में है, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, आपका रामगढ़ में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी जो चीज़ें हैं, फटारू थर्मल पावर प्लांट, ये भी पटारू जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पे है, रामगढ़ में है, ठीक है। टिनहट थर्मल पावर प्लांट जो कहाँ पे है, बोकारो में है। तो रामगढ़ भी देखो, रामगढ़ में कौन कौन से हो गए, सिकिदरी हो गया आपका, पटराटू थर्मल पावर प्लांट हो गया, और टिनहट जो थर्मल पावर प्लांट है वो बोकारो में है। तो इस तरीके से आपके ये सब भी पूछ सकते हैं एग्जामों में। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले आपके देखोगे कि हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे एमसीक्यू टाइप का, आपका कुछ क्वेश्चन होंगे, और इस वीडियो के बाद आपका झारखंड का पूरा आपको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इसी तरीके से वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लें, कोई भी नोटिफिकेशन छूट ना पाए, और फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, गूगल प्लस पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।